आज देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद अब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोग खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून में एक मानव श्रृंखला बनाकर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजपुर रोड पर एशले हॉल चौक से लेकर दर्शन लाल चौक तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मानव श्रृंखला बनाई, जिसका नेतृत्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया। पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर कांग्रेस का आक्रोश जारी रहेगा। डॉट आज देश के सामने एक नहीं न जाने कितनी चुनौतियां हैं। देश की सीमाओं पर दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ है और हमारी सरजमी पर पैर रखने का दुस्साहस कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी एक इंच जमीन पर भी दुश्मन ने कब्जा नहीं किया है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, यदि दुश्मन हमारी सरहद में अंदर नहीं आया है तो देश के 20 जवानों ने जो अपनी शहादत दी है वो क्यों दी है? कोई जवाब है भाजपा के पास? कोई जवाब है प्रधानमंत्री जी के पास? राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि चीन ने हमारी सीमाओं में घुसपैठ की है, लेकिन केंद्र की सरकार का जो आचरण है, जो चरित्र है, उसको देश के लोग देख रहे हैं। दूसरी चुनौती हमारे सामने कोरोना के रूप में है। पूरे देश और उत्तराखंड राज्य में कोरोना जिस तरीके से लगातार फैला रहा है वो आपके सामने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों ही सरकारें कोरोना की महामारी की वजह से, डर की वजह से पिंजरे में कैद है, बाहर निकलने का साहस नहीं जुटा पा रही। ये हालत है, ये स्थिति है। और ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम कर रही, बसों के किराए में दुगना तिगना वृद्धि करने का काम कर रही है। जनता नज़दीक से जो है सरकारों के कृत को देख रही है और समय आने पर चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों ही सरकारों को सबक सिखाने का काम लोग करेंगे।